नमस्कार, मैं अभिरुचि जैन बीएमसी न्यूज लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। सबसे पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। उप प्रधानमंत्री ने आरसीएसआई के कार्यकारी निदेशक की अगवानी की। स्वास्थ्य अवर सचिव मेड और फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अध्यक्ष से सहयोग पर चर्चा की। बहरीन के राजनीतिक मामलों के अवर सचिव ने भारतीय विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की। सह अस्तित्व के लिए किंग हमद केंद्र को कजाकिस्तान का निमंत्रण मिला। गल्फ एयर फॉर्मूला वन एसटीसी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में भाग लिया। युवा मंत्री ने युवा अरब नेताओं की बैठक में भाग लिया। उप प्रधानमंत्री ने आवास मंत्रालय की बैठक को प्रायोजित किया। अब प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार विस्तार से। उप प्रधानमंत्री ने आरसीएसआई के कार्यकारी निदेशक की अगवानी की। उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा ने आयरलैंड में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के प्रोफेसर कैथल कैली के कार्यकारी निदेशक का स्वागत किया। आरसीएसआई बहरीन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर ओटूम भी उपस्थित थे। शेख खालिद ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले वर्षों में आरसीएसआई बहरीन के चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक किए गए विशिष्ट परिणामों की प्रशंसा की। उन्होंने उच्च स्तरीय स्थिति प्राप्त करना जारी रखने के लिए कॉलेज की और सफलता की कामना की, जो राज्य में समग्र शिक्षा और स्वास्थ्य प्रक्रिया में समृद्धि और प्रगति लाएगा। प्रोफेसर कैली ने सभी संबंधित मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों से कॉलेज के समर्थन, रुचि और सहयोग पर गर्व व्यक्त किया, जो कॉलेज के अपने कार्यक्रमों को इस तरह से विकसित करने की उत्सुकता की ओर इशारा करता है, जो आउटपुट की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी योगदान देता है। स्वास्थ्य अवर सचिव मेड और फाउंडेशन अध्यक्ष सहयोग पर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अवर सचिव डॉक्टर वलीद खलीफा अल माने ने इटली के पूर्व आंतरिक मंत्री और मेड और फाउंडेशन फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अध्यक्ष डॉक्टर मार्को मिनिती की अगवानी की। अवर सचिव ने कई क्षेत्रों, विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र में बहरीन इतावली संबंधों की गहराई की प्रशंसा की। उन्होंने प्रशिक्षण से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, चिकित्सा विशेषज्ञता के आदान प्रदान और विभिन्न विशिष्टताओं के डॉक्टरों और विशेषज्ञों के दौरे के आयोजन पर चर्चा की। डॉक्टर अलमाने ने जोर देकर कहा कि सहयोग का उद्देश्य स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में समन्वय बढ़ाने के लिए प्रभावी साझेदारी के अगले चरणों के दौरान नए क्षितिज खोलना है। बहरीन के राजनीतिक मामलों के अवर सचिव ने भारतीय विदेश राज्य मंत्री से मुलाकात की। बहरीन राजनीतिक मामलों के विदेश मंत्रालय के अवर सचिव डॉक्टर शेख अब्दुल्ला बिन अहमद अल खलीफा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौते के लिए बहरीन के परिग्रहण को मंजूरी देने वाले असमर्थन दस्तावेज सौंपे। अवर सचिव की अगवानी भारत के विदेश राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन ने की। शेख अब्दुल्ला ने मजबूत ऐतिहासिक बहरीन भारतीय संबंधों की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि आईएएस फ्रेमवर्क में किंगडम का आधिकारिक परिग्रहण पर्यावरण को संरक्षित करने के सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने वाले स्वच्छ और नवीनकरणीय ऊर्जा की दिशा के संक्रमण में सहयोग को बढ़ाएगा। सह अस्तित्व के लिए किंग हमद केंद्र को कजाकिस्तान का निमंत्रण मिला। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए किंग हमद ग्लोबल सेंटर को 14 से 15 सितंबर को नूर सुल्तान में विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की सातवीं कांग्रेस में भाग लेने का आधिकारिक निमंत्रण मिला। केंद्र महासचिव शेख अब्दुल्ला बिन अहमद बिन सलमान अल खलीफा ने बहरीन में कजाकिस्तान के राजदूत बैरेक आर्यन की अगवानी की। राजदूत ने महामारी के
बाद के युग में मानव जाति के आध्यात्मिक और सामाजिक विकास में विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की भूमिका के विषय के तहत कांग्रेस में भाग लेने के लिए सेंटर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष डॉ. शेख खालिद बिन खलीफा अल खलीफा को निमंत्रण दिया। गल्फ एयर फॉर्मूला 1 एसटीसी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में भाग लिया। बहरीन के राष्ट्रीय वाहक गल्फ एयर के कार्यवाहक सीईओ कैप्टन वलीद अल अलावी ने 25 से 27 मार्च को जेद्दा में फॉर्मूला 1 एसटीसी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स के संगठन और प्रदर्शन की गुणवत्ता की प्रशंसा की। गल्फ एयर ने जेद्दा कॉर्निश सर्किट में अपने पैडॉक क्लब में वीआईपी मेहमानों, भागीदारों और ट्रेवल एजेंटों की मेजबानी की। अल अलावी ने कहा, हमें सऊदी बाजार में अपने ग्राहकों का स्वागत करते हुए खुशी हो रही है, जो गल्फ एयर के लिए विशेष महत्व रखता है। फॉर्मूला 1 गल्फ एयर बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में, जो 2022 में फॉर्मूला 1 सीजन 1 की उद्घाटन दौड़ थी। हम जेद्दा में एसटीसी फॉर्मूला 1 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स की सफलता से प्रसन्न हैं। यह विशेष रूप से सऊदी बाजार और इसमें हमारे भागीदारों के साथ हमारे संबंधों और बहरीन साम्राज्य को सऊदी अरब साम्राज्य से जोड़ने वाले लंबे ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए है।